हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो विषय मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सपने में झाड़ू देखना, वो भी विभिन्न अवस्थाओं में, डिफरेंट जो है सिचुएशंस में झाड़ू देखना। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन के लिए कैसा रहता है। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी एग्जैक्टली पता चल सके कि भगवान आपको जो है क्या संकेत देना चाहते हैं सपने में झाड़ू देके। तो दोस्तों, हमारी हिंदू रिमोलॉजी के अकॉर्डिंग सपने में झाड़ू देखना कई अवस्थाओं में शुभ है, लेकिन कई अवस्थाओं में अशुभ भी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सपने में झाड़ू देखना, दोस्तों, ये एक बहुत ही अशुभ सपना है। हमारी हिंदू रिमोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आपको बहुत बड़ा कोई आर्थिक संकट जो है आने वाला है, आपको कोई लॉस होने वाला है आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में, मतलब पैसे से रिलेटेड जो है आपको लॉस होने वाला है और आपके बनते काम जो हैं वो बिगड़ेंगे। हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया हो तो वो काम जो है आपका फेल हो जाएगा, आप उस काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे यदि आपने सपने में झाड़ू देखा है। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हो तो ये एक बहुत ही शुभ सपना माना गया है। हमारी हिंदू रिमोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि आपकी कोई विश, आपकी कोई मनोकामना जो है बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बहुत टाइम से यदि आप कुछ चाहते थे, आपकी वो मनोकामना जो है जल्द ही पूर्ण होगी और आपके जो घर में है वो धन का आगमन होगा। मतलब आपकी लाइफ में जो है अचानक कहीं से धन आ सकता है जो कि आपने सोचा भी नहीं था। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में झाड़ू खरीदते हुए खुद को देखते हैं तो ये एक बहुत 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 शुभ सपना जो है हमारे हिंदू रिमोलॉजी में माना गया है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि बहुत अमीरों को, लाइक अंबानीज को ही ये ड्रीम जो है आता होगा सपने में झाड़ू खरीदना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आपके पास जो है अपार धन जो है वो आने वाला है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो झाड़ू है उसको लक्ष्मी माँ का स्थान दिया गया है। और अगर वहीं आप झाड़ू खरीदते हुए खुद को सपने में देखते हैं तो इसका अर्थ है आप साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में जो है खुद लेके आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को झाड़ू हाथ में लिए हुए खड़ा देखते हैं, आप झाड़ू लगा नहीं रहे हैं, सिंपली आपने झाड़ू हाथ में लिया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि आपकी सोई हुई किस्मत जो है वो जागने वाली है। आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है। मतलब आपकी अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब लग सकती है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप जो है आपका हो सकता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मुनाफा आपको होगा और आपकी सोई हुई किस्मत जो है वो डेफिनेटली जागेगी यदि आपने ऐसा सपना देखा है। उसके बाद दोस्तों, यदि आपने सपने में झाड़ू के साथ किसी को मारते हुए खुद को देखा है या आपको कोई झाड़ू के साथ मार रहा है तो ये एक बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपको बहुत बड़ा जो है आर्थिक नुकसान होने वाला है। विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ आपको जो है कोई बहुत बड़ी पैसे से रिलेटेड हानि होने वाली है। इसलिए मैं आपको एंड में एक उपाय बताऊंगी, आपको वो डेफिनेटली कर लेना चाहिए अगर आपको सपने में झाड़ू से कोई मार रहा है या आप झाड़ू से किसी को मारता हुआ देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हैं कि आप झाड़ू लेके उड़ रहे हैं, जैसे मूवीज़ में होता है कि झाड़ू के ऊपर बैठ के जो डायन है वो उड़ती है या कोई भी सुपर हीरो है वो उड़ते हैं, अगर आपने इस तरह का सपना देखा है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ड्रीम है, बहुत अच्छा सपना जो है ये माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो है कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है, अगर डिप्रेशन में थे आप, अगर बीमार थे कोई, अगर आपको इलनेस थी तो वो इलनेस ख़त्म होने वाली है और आप पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को झाड़ू बेचते हुए देखते हो तो ये एक बहुत ही अशुभ सपना जो है हमारी हिंदू रिमोलॉजी में माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आपकी जो मेहनत है वो किसी और दिशा में आप लगा रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो आप सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले, अगर आप कोई काम करने लगे हैं तो आपको उस काम को एनालाइज कर लेना चाहिए, उसकी प्लानिंग आपको सबसे पहले करनी चाहिए, किसी जो है एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है उस दिशा में मेहनत लगानी
होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हैं कि आपका झाड़ू कहीं खो गया है, तो ये एक बहुत ही अशुभ सपना माना गया है। हमारी हिंदू रिमोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि करियर के लिए स्पेशली हो सकता है कि आप अपनी अगर आप पढ़ाई कहीं कर रहे हैं, आप फेल हो सकते हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब छूट सकती है, आपको फायर कर सकता है कोई, बिजनेस में आपको जो है लॉस हो सकता है। इस तरह का सपना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। जो आखिर में मैं आपको इसका एक उपाय बताऊंगी, वो बहुत ही कारगर उपाय जो है इस सपने के लिए है। जो भी इस सपने में बैड इफेक्ट होंगे, सबके लिए एक ही उपाय है, आपको डेफिनेटली वो उपाय कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगला है, यदि आप खुद को सड़क पे झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सपना माना गया है। हमारी हिंदू रिमोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप बहुत ज़्यादा जो है किसी भी काम को लेके जो है आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी। अगर आप कम अगर उसमें एक्सपर्ट हो काम में, तो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने वाले हो अपने काम को लेके। उसके बाद दोस्तों, अगला है सपने में खड़ी झाड़ू देखना। अगर आप देखते हैं कि जैसे हमारी हिंदुइज्म में क्या होता है, झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना होता, यदि आप सपने में ऐसा सपना देखते हो कि झाड़ू को खड़ा करके रखा है, तो इसका अर्थ है कि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। जो लक्ष्मी माँ है वो आपसे रुष्ट होने वाली हैं और आपके घर से जो है पैसा ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में झाड़ू को जलाते हुए देखते हैं, झाड़ू को खुद जला रहे हैं या झाड़ू जल रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बुरा सपना जो है हमारी हिंदू रिमोलॉजी में माना गया। ऐसा माना जाता है कि आपको आने वाले समय में आर्थिक हानि होने वाली है और जो लक्ष्मी माँ है वो एक्चुअल में आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए वो आपको इस तरह के सपने देती हैं कि आपका जो झाड़ू है वो जल गया है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हैं कि आपका झाड़ू जो है वो टूट गया है, तो दोस्तों इस सपने का अर्थ होता है कि आपको बहुत बड़ी मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा, किसी परिवार के मेंबर की वजह से आप जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगला है, यदि आप सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा सपना है। बहुत अच्छी खुशियाँ जो हैं आपकी लाइफ में आने वाली हैं, भगवान का आप पे जो है पूरा आशीर्वाद बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो उपाय है इस सपने के नेगेटिव इम्पैक्ट दूर करने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो गाइज, आपको क्या करना है कि जो सरसों होती है, सरसों की जो राई होती है, जो दाने दाने होते हैं ब्लैक कलर के, उसको आपको येलो कपड़े में बांध के जो है अपने घर के मेन डोर पर बांध लेना है, जिससे कि लक्ष्मी माँ की पूरी कृपा आपके घर पर रहेगी, कोई भी बुरा असर जो है इस सपने का आप पे नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। धन्यवाद।